मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 22 के सिंधी कॉलोनी की। जी हाँ, जहाँ पर पूरी कॉलोनी के अंदर अधिकतर सड़कें खस्ता हालत में है। कॉलोनी के अंदर आवारा जानवरों का जमावड़ा है, साथ ही शहर के बीच में होने के कारण ये क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो कचरा है वहाँ कचरा पॉइंटों पर गंदगी का जमा होना, नालियों के समय से सफाई नहीं होना, साथ ही सड़कों के खस्ता हाल लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। सिंधी कॉलोनी में लगने वाले सब्जी मंडी के आसपास के क्षेत्र भी काफी गंदे हैं। जी भैया, क्या स्थिति है यहाँ की पूरे क्षेत्र की? स्थिति ऐसी भाई साहब के टाइम पे कटन उठता है यहाँ पर, आते तो उठा है, लेकिन क्या उस टाइम सुबह सवेरे उठा के चल जाते, फिर सुबह देखने नहीं आते क्या कंडीशन का नहीं है। लेट बाथरूम ऐसे कर रखे यहाँ पर कि जहाँ पर लेडीज भी नहीं जा सकती है, इतनी गंदगी रहती है, हम जैसे शर्म आती है, क्या करें, कुछ परेशानी है। यहाँ व्यापार भी करते हैं, दिन भर काफी लोग आते होंगे। आपकी शॉप के पास ही गंदगी है यहाँ पे? बहुत ज्यादा। कितने टाइम से आप व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे? पावे टाइम से, ये टाइम हो रहा है 5-8-10-15 साल, लेकिन गंदगी वही है। आलम तो वही का वही आज से, चाहे कोई सी गवर्नमेंट हो, जब से वही है। ठीक है, नाम बताइए आपका। कल्लू भाई। गंदगी और कचरे वगैरह की रोड़ी बना रहती है यहाँ पे, बैंगर सारा कचरा यहाँ डाल दे, सुबह आके देखो ना आपको ऐसा बैंगर कचरा मिलेगा आपको यहाँ पर। और साफ भी बहुत लेट कराते हैं, दिन में कराते हैं साफ, अरे सुबह सफाई भी नहीं होती। सफाई होती है, अरे लेट बाद की क्या स्थिति है यहाँ पे? लेट मार की यही चल रही है, अभी तो हालत खराब चल रही है, मतलब परेशानी तो ऐसे व्यापार करते तो दुर्गंध होती होगी बैंकर। कितने लोग आते होंगे दिन भर में यहाँ पे? कितने लोग आ जाते होंगे तो इस गंदगी से गुजर के? बीमारियाँ फैलने का भी डर रहता होगा, मच्छर हो रहे हैं भयंकर यहाँ पे, गंदगी सफाई करते ही नहीं है। नाम बताए आपका। और वहीं इसी मामले को लेकर हमने स्थानीय पार्षद सुमन पेशवानी से बात की, तो पेशवानी का कहना है कि मार्केट होने के कारण कुछ जगह पर सुबह ट्रक खड़े रहते हैं, नियमित सफाई होती है। फिलहाल कुछ दिनों से परिवार में बड़ी ट्रेजेडी होने के कारण वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। सड़कों को लेकर के कई बार निगम अधिकारियों को भी अवगत करवाया है, नालियों की सफाई समय पर होती है।